आप सब ठीक होंगे? चलिए देखिए, हम इतिहास का भाग चार पढ़ा था हमने, तो मैं भाग पाँच शुरू कर रहा हूँ। और भाग चार की अगर मैं बात करूँ, हमने कहाँ तक किया था, तो मैं 1582 तक दीने इलाही तक आया था, फिर दीने इलाही को एक्सप्लेन करके नहीं गया था। उसके बाद मैंने भूमि बंदोबस्त बताया था थोड़ा सा, और मैंने कहा था बाद में डिस्कस करूँगा। चलिए अब मैं अकबर के छोटे छोटे टॉपिक उठा करके उसे कंप्लीट कर रहा हूँ, जिससे सारी चीज़ आ जाए, शॉर्ट में आ जाए और आपका काम पूरा हो जाए। चलिए तो लिखा है यहाँ पे भाग पाँच इतिहास का। चलिए सबसे पहले 1582 तक किया था, तो 1583 पे आ रहा हूँ मैं। 1583 में अकबर ने इलाही संवत चलाया था, ठीक होगी, एक क्वेश्चन है ये भी। तो अकबर ने 1583 में इलाही संवत चलाया था, ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट शुरू कर रहा हूँ, ये छूट गया था तो इसे पूरा कर रहा हूँ। चलिए देखिए, अकबर की धार्मिक नीति है, तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि अकबर धर्म के क्षेत्र में किन किन लोगों से प्रभावित था, कौन कौन से धर्म के लोग थे जो अकबर के दरबार में आए थे। तो सबसे पहले हिंदू धर्म के आ रहा हूँ मैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। हिंदू धर्म के अकबर देवी व पुरुषोत्तम से प्रभावित था, ठीक हो गई बात। इसी तरह से मैं आता हूँ जैन धर्म पे। जैन धर्म के हरिविजय और जिनचंद, जिनसे अकबर प्रभावित था, जो अकबर के दरबार में आए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक बात है। उसके बाद पारसी, ठीक बात है। पारसी धर्म के जो थे वो दस्तूर मिहिरजी राणा थे। दस्तूर मिहिरजी राणा, देखिए हिंदू हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, उसके बाद ईसाई। ईसाई में एकाबीबा और मोनसेरौत, ठीक है। मैं अब इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए हरिविजय और जिनचंद, ये हरिविजय सूरी है और जिनचंद सूरी है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है तो देख लेते हैं। हरिविजय को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि दी थी, जगत गुरु की। जिनचंद को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी थी, ठीक बात है। पारसी धर्म के दस्तूर मिहिरजी राणा आए थे, अकबर ने इन्हें 200 बीघा जमीन दान दी थी, 200 बीघा जमीन दी थी, ठीक हो गई। उसके बाद ईसाई धर्म के अकबर के दरबार में एकाबीबा और मोनसेरौत थे, ठीक है। ये पादरी दल था जो अकबर के दरबार में आया था। तो देखिए ये जो धार्मिक रूप से अकबर के दरबार में विभिन्न धर्मों के लोग आए थे, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ये वाला हमारे उत्तराखंड में आया हुआ था कि पारसी धर्म के कौन थे अकबर के दरबार में, तो दस्तूर मिहिरजी राणा थे। चलिए मैं इसे मिटो रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। देखिए अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं, अकबर की विजय, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर लेता हूँ। विजय या कहिए साम्राज्य विस्तार, ठीक हो गई। तो अकबर की पहली विजय 1561 की मालवा विजय है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि पहली विजय कौन सी है। अकबर ने यहाँ पे आदम खां को भेजा था। अब देखिए मैं यहाँ पे एक करेक्शन करूँगा, पिछली वीडियोज़ में जो गलती हुई थी, मैंने वहाँ पे शायद गुजरात बोल दिया था, वो गलत बोला था मैंने। मालवा विजय थी अकबर की पहली विजय, मैं गलती से बोल गया था। तो मालवा विजय 1561 की है। उसके बाद दूसरी 1564 की गोंडवाना विजय, ठीक बात है। आप बस जस्ट याद रखिएगा यहाँ पे कौन था, यहाँ पे रानी दुर्गावती से टक्कर हुई थी। तो आपसे पेपर में पूछ लेता, कई बार महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो रानी दुर्गावती कहाँ पर थी, रानी दुर्गावती आपके गोंडवाना में थी। उसके बाद तीसरी 1567 की है, चित्तौड़ विजय, ठीक हो गई। चित्तौड़ में कौन है, चित्तौड़ में उदय सिंह है, ठीक बात है।
चित्तौड़ में इस समय कौन है? चित्तौड़ में उदय सिंह है। और उदय सिंह क्या करेगा जब अकबर का सेना आएगी? और इसके साथ में जयमल और फत्ता इसके सैनिक हैं, ये दोनों लड़ेंगे, जयमल और फत्ता। उदय सिंह छोड़ करके भाग जाएगा, ठीक होगी बात, ये घबरा जाएगा। देखिए, राजपूतों का इतिहास कर्नल टार्ड ने लिखा है। कर्नल टार्ड ने एक्सक्यूज मी, कर्नल टार्ड ने एक बात बोली है कि चित्तौड़ के इतिहास में अगर उदय सिंह का नाम राजाओं की सूची में ना होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उदय सिंह टक्कर नहीं ले पाए थे। देखिए, चित्तौड़ की विजय को मुझे यहाँ पूरा करना है। अकबर ने दोबारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1576 में। इस समय यहाँ पर कौन है? तो चित्तौड़ में 1576 में अकबर ने जब आक्रमण किया है तो उस समय वहाँ पर आपके महाराणा प्रताप हैं, ठीक होगी, महाराणा प्रताप है। और वर्सेस अकबर ने किसे भेजा? एक बार पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा, ये मान सिंह को भेजा था अकबर ने, ठीक बात है, दोनों हैं, एक मान सिंह भी है और आसफ खां भी है, ठीक है, मान सिंह आया हुआ था। चलिए देखिए, यहाँ पे जो युद्ध होगा उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक होगी। महाराणा प्रताप कुछ समय के लिए पराजित होंगे लेकिन हथियार नहीं डालेंगे। महाराणा प्रताप यहाँ से जंगलों में चले जाएंगे, पहाड़ियों पर चढ़ जाएंगे और अपनी नई राजधानी बनाएंगे जिसे छावंद कहेंगे। कहीं चावंद लिखा है, कहीं छावंद, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक बात है, छावंद को अपनी नई राजधानी बनाएंगे। और वहां से मुगलों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध पद्धति शुरू करेंगे, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहीं से शुरू हो रही है मुगलों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध पद्धति। अभी आप देखेंगे दक्षिण में इसी गुरिल्ला युद्ध पद्धति को मलिक अंबर अपनाएगा। तो मलिक अंबर ने कहाँ से ली? महाराणा प्रताप से लेगा। मलिक अंबर मुगलों के विरुद्ध लड़ेगा, मैं आगे जहांगीर में पढ़ाऊंगा। फिर महाराणा प्रताप से गई मलिक अंबर के पास, देखिए मैं से मैं, और फिर वहां से शिवाजी उसे अपनाएंगे गुरिल्ला युद्ध पद्धति को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, इसे मिटो रहा हूं मैं, चूंकि महाराणा ये चित्तौड़ी थी दोनों, तो मैंने इसलिए साथ साथ जोड़ दी। बीच में एक विजय और आती है 1572 की, गुजरात विजय। चलिए गुजरात विजय के क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। गुजरात विजय क्यों की अकबर ने? देखिए, गुजरात का अपना महत्व है, गुजरात उत्तर से दक्षिण को जोड़ने में सहायक है, गुजरात व्यापारिक एक बंदरगाह के रूप में मार्ग प्रदान करता है, तो गुजरात का आर्थिक महत्व भी है और गुजरात का राजनीतिक सामरिक महत्व, सारा महत्व है, जिस कारण से गुजरात विजय जरूरी हो जाती है। देखिए, गुजरात विजय के क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, अकबर ने गुजरात विजय की, जैसे ही अकबर विजय करके आया वैसे ही गुजरात में पुनः विद्रोह फूट जाएगा, तो अकबर दोबारा गुजरात पर आक्रमण करेगा 72 में ही। तो स्मिथ होंगे, स्मिथ क्या बोलेंगे अकबर की इस विजय को? द्रुतगामी विजय, मतलब तीव्रतम विजय, तो ये क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद अकबर इस विजय की स्मृति में ही बुलंद दरवाजा बनवाएगा, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। आपको याद हो मैंने कहा था अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था, सीकरी राजधानी बनी थी, और वहाँ पे बुलंद दरवाजा कब बन रहा? 1572 में। तो बुलंद दरवाजे का क्वेश्चन आता है कि बुलंद दरवाजा किस युद्ध की स्मृति में, किस विजय की स्मृति में? गुजरात विजय की स्मृति में। उसके अलावा एक पेपर में क्वेश्चन देखा गया, वहाँ पे गुजरात विजय ऑप्शन में नहीं डाला था, तो वहाँ पे हम क्या लगाया था? वहाँ पे हमने दक्षिण विजय लगाया था, ठीक हो गई बात। चलिए मैं इसे मिटो रहा हूँ, मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आते हैं आप देखिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, दो दो बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा आपको, सारा इतिहास याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए आराम से। वीडियो को देखिए, बहुत धीरे धीरे देखिए, बिल्कुल ऐसे नहीं भाग भाग के मत देखिए, नहीं तो आपके दिमाग में उसी तरह की इमेज बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। देखिए, अकबर ने 1581 में काबुल जीता था, ठीक होगी, और 1595 में कंधार जीता था। 1595 में कंधार जीता था, ठीक होगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मैं एक बार इसका बैकअप देता हूँ कि पीछे क्या पढ़ा था हमने। अगर आपको याद हो, बाबर,
बाबर ने 1504 में काबुल जीता था और 1507 में कंधार जीता था, अगर याद हो तो। ठीक है, मैंने पीछे का बैकअप दिया। 1507 में फिर वो बादशाह की उपाधि धारण करेगा कंधार, कंधार को बेस बना के भारत पर आक्रमण करेगा, मैंने आपको पढ़ाया था, तो देख लीजिएगा। जस्ट क्योंकि ये चर्चा में आया है, कंधार इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक क्वेश्चन और बताया था कि ईरानियों और मुगलों के बीच टकराव का प्रमुख कारण क्या रहेगा, कंधार रहेगा। ठीक है, तो एक बार पीछे बैक मारता हूँ। एक तो ये दिया कंधार का, और एक याद होगा आपको 1545 में हुमायूं ने काबुल और कंधार जीते थे। आपको याद होगा ईरान के शाह से शर्त हुई थी, उसने कहा था काबुल और कंधार जीतने में मैं आपकी सहायता करूंगा, बदले में हुमायूं कंधार ईरानियों को सौंपेगा, लेकिन हुमायूं ने नहीं दिया था। उसके बाद ईरानियों ने दोबारा कब्जा कर लिया था कंधार पे, तो अब वापस अकबर जीत रहा है 1595 में। ठीक होगी बात, मेरे ख्याल से ये पीछे की स्ट्रक्चर जुड़ गई होगी, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप सुनते जाइएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं, जस्ट आप सुनिए, कुछ नहीं छोड़ूंगा लास्ट तक, पूरे इतिहास में कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें। ठीक होगी बात, नेक्स्ट देखिए। एक अकबर का फिर अब दक्षिण विजय पे फोकस करना चाहिए, जहां से क्वेश्चन आते हैं। दक्षिण में एक होगा खानदेश, ठीक है, एक होगा अहमदनगर और एक होगी असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ अहमदनगर का ही पार्ट होगा। ठीक है, खानदेश तो 1591 में अधीनता मान लेगा, हथियार डाल देगा, कहेगा मैं युद्ध ही नहीं करता, खानदेश तो कैसे खत्म हो जाएगा खुद ही। अहमदनगर में कौन है? अहमदनगर में चांद बीवी नाबालिग राजा की संरक्षिका है। ठीक होगी बात। असीरगढ़ में कौन है? असीरगढ़ में मीर बहादुर है। अब यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूं, फिर आप देख लेते हैं। लगभग 1600 में अकबर ने अहमदनगर की विजय करी थी। जब चांद बीबी को लगा कि वो नहीं जीतेगी, तो चांद बीबी मुगलों को क्या देगी, क्वेश्चन हो जाता है, बरार का किला दे देगी, बदले में मुगल घेरा उठा लेंगे चांद बीबी के क्षेत्र से। ठीक हो गई बात। उसके बाद चांद बीबी घेरा उठा लेंगे मीरन बहादुर। असीरगढ़ का किला अकबर ने 1601 में जीता था। ठीक हो गई बात, ये अकबर की अंतिम विजय थी। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? असीरगढ़ का किला थी। तो दक्षिण के ये क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, अकबर की विजय पूरी हो जाती है। ठीक बात है, चलिए मैं इसे मिटो रहा हूँ। चलिए, पीछे मैंने एक क्वेश्चन और बताया था कि अकबर के समय 1580 में प्रांतों का वर्गीकरण किया गया था। अगर आपको याद हो तो अकबर ने 12 प्रांतों का वर्गीकरण किया था, दक्षिण विजय के बाद 15 प्रांत हो जाएंगे, ऐसा मैंने बोला था आपको। आपके यहाँ पेपर में क्वेश्चन भी आया था, अकबर के समय कितने प्रांत थे? तो 15 मान्य थे। चलिए, अब मैं एक एक टॉपिक उठा रहा हूँ। तो अकबर के समय विद्रोह हुए दो, उनकी मुझे बात कर लेनी है। यहाँ से दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक बात है, सबसे पहले एक विद्रोह तो है बलूच अफगानों का। ठीक बात है, बलूच अफगानों का विद्रोह हुआ था। इसका क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए, 1586 में हुआ था। इसी विद्रोह को दबाते हुए महेश दास, अब आप कहेंगे महेश दास क्योंकि क्वेश्चन है, मैंने नाम बता दिया, बीरबल मारा गया इसी विद्रोह को दबाते हुए। बस इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कौन से विद्रोह को दबाते हुए मारा गया, इसे मारा गया। ठीक हो गई बात। और दूसरा विद्रोह है 1599 में। अब आप कहेंगे 1599 में विद्रोह है, अकबर कहाँ है इस समय? अकबर इस समय अहमदनगर की विजय कर रहा है, यानी दक्षिण में है। ठीक हो गई बात। अगर बात करूँ मैं मैप की, तो वर्तमान मैप बनाया मैंने, ठीक है, तो अकबर अहमदनगर की विजय कर रहा है, यहाँ पे है। और ये विद्रोह कहाँ हो रहा है? ये विद्रोह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हो रहा है। ठीक बात है, तो 1599 में कहाँ विद्रोह हुआ? इलाहाबाद में हुआ, नंबर एक बात। नंबर दो बात, विद्रोह किसने किया है? अब आपको ये देखना चाहिए, नंबर दो विद्रोह कर रहा है सलीम। सलीम का सपोर्ट कौन कर रहे हैं? सलीम का सपोर्ट कर रहे हैं पुर्तगाली,
यानी कि यहाँ से एक प्रथा विकसित हो रही है, बेटा बाप के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर रहा है, आगे फिर सलीम यानी ये जहांगीर बनेगा, इसका बेटा भी इसके खिलाफ विद्रोह करेगा। तीसरा, विद्रोह का परिणाम क्या रहा? देखिए, अकबर दक्षिण में है, अकबर इस विद्रोह को दबाने के लिए अबुल फजल को भेजेगा। किसे भेजेगा? अबुल फजल को, जिसकी हत्या करवा देगा जहां सलीम। सलीम किससे? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला बुंदेला है जो कि सलीम का दोस्त होगा। सलीम के कहने पर वो अबुल फजल की क्या कर देगा? हत्या कर देगा। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसलिए इस पे बात कर रहे हैं। ठीक हो गई बात? चलिए, ये टॉपिक भी पूरा हो गया, मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ अकबर के टॉपिक पे, इसे मैं मिटो रहा हूँ। आप देख लीजिए, अबुल फजल मारा गया, अबुल फजल को अकबर ने भेजा, अकबर ने भेजा किस लिए? सलीम के विद्रोह को दबाने के लिए। सलीम ने विद्रोह कहाँ किया? सलीम ने विद्रोह इलाहाबाद में किया, ठीक है। और इसमें किसने हत्या किया अबुल फजल की? वीर सिंह बुंदेला ने की है। चलिए, मैं इसे मिटो रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टॉपिक उठा लेता हूँ मैं, आप आ जाइए। चलिए, भूमि बंदोबस्त प्यार, ठीक बात है? क्या है लिखा मैंने? भूमि बंदोबस्त। देखिए, 1582 में, बिल्कुल क्वेश्चन पे आइए, टोडरमल पेपर में क्वेश्चन आया किस पद पे था? तो टोडरमल दीवान के पद पे था। पेपर में क्वेश्चन आया कि टोडरमल की सहायता कौन कर रहा था? ख्वाजा मंसूर कर रहे थे, ठीक बात है? तो मेन टोडरमल ने कौन सा बंदोबस्त लागू किया? दहसाला बंदोबस्त लागू किया। क्या था दहसाला बंदोबस्त? मैं आपको पीछे बताया था, 10 साल के उत्पादन का औसत दहसाला बंदोबस्त है, ठीक बात है? फिर औसत का एक तिहाई ही क्या है? कर है। यही तो था दहसाला बंदोबस्त, मैंने आपको बताया था। सपोज मान लीजिए 2010 से 2019 तक कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। तो इस 10 साल का, मान लीजिए 2010 में 5 किलो पैदा हुआ, 11 में 6 किलो पैदा हुआ, फिर 4 किलो पैदा हुआ, तो इन सबको जोड़ के इनका 10 से भाग करा तो औसत आ गया, उसका 1/3 कर होता था। यही दहसाला बंदोबस्त है। अब ये 20 में लगा रहे हैं कर, कर कब ले रहे हैं? 20 में, तभी तो 19 तक का लिया। अगले साल 21 में लेंगे तो हम यहाँ पर 20 कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? 11 कर देंगे, फिर 10 सालों का हो जाएगा। पिछला एक एक साल छोड़ते जाएंगे, अगला एक एक साल ऐड करते जाएंगे प्रोडक्शन का, और उसे वही दहसाला बंदोबस्त है। चलिए, अब इसमें क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। दहसाला बंदोबस्त को मिटो दूसरे में, यही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण भी किया गया। अब आप कहेंगे भूमि का वर्गीकरण? देखिए, 4 पार्ट्स में बांटा गया भूमि को, ये भी देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 4 पार्ट्स कौन से होते हैं? पोल्ज, परती, चांचर और बंजर, ठीक बात है? सबसे बढ़िया भूमि, हर साल फसल, दैट इज पोल्ज। परती, एक साल फसल प्राप्त की, फिर परती छोड़ना, आप गांव में जानते होंगे शब्द खाली छोड़ना। चांचर, 4-5 साल के लिए खाली रहती थी, और बंजर अधिकांश समय खाली रहती थी। अधिकांश समय क्या रहती थी? खाली रहती थी, यानी कि कोई उत्पादन नहीं होता था। पोल्ज, परती, चांचर और बंजर, ये 4 प्रकार की भूमि बंटी हुई थी। पोल्ज सबसे बढ़िया भूमि, जब हर साल पैदा होगा तो हर साल फसल होगी तो हर साल सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा। परती, एक साल प्रोडक्शन हुआ, फिर 1 साल 2 साल खाली छोड़ दिया। परती के छोड़ने का मतलब यह भूमि अपनी प्रोडक्शन पावर दोबारा प्राप्त कर ले। चांचर, 4-5 साल खाली रहती थी, फिर उस पर फसल होती थी, और बंजर अधिकांश समय खाली खाली रहती थी। तो ये भूमि का, भूमि की नपाई देख लेते हैं। देखिए, मैं तुलना कर रहा हूं, एक था गजे सिकंदरी और
अब बात कर रहा हूं मैं, अकबर ने जो लाया था उसका नाम था इलाहीगंज। अब दोनों की तुलना कर लेते हैं, अब देख लेते हैं। देखिए आपको याद होगा गजे सिकंदरी 39 अंगुल या कहिए 32 इंच का था, और इलाहीगंज जो था आपका 33.5 इंच या यूं कहिए 41 अंगुल। ठीक हो गई बात। इसमें जो है सन की डंडी का प्रयोग किया गया था और इसमें जो है जरीब का प्रयोग किया गया था। जरीब आप जानते हैं लोहे की चेन होती है, आज भी गांव में पटवारी लोग इसी का प्रयोग करते हैं, लोहे की चेन होती है। इसका प्रयोग किसने अभी हमने पढ़ा था, शेरशाह सूरी ने नपाया था, याद होगा आपको। और यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे अकबर कर रहा है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, इसी में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप देख लीजिए, हाँ राजपूत। देखिए अकबर की जो राजपूत नीति है या राजपूत संबंध है वो दमन और समझौते पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए दमन और समझौते पर आधारित है तो अकबर ने कहीं विजय करी, अब मैंने पढ़ा भी चुका हूं आपको चित्तौड़ का, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो आती हो पेपर में। समझौते से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं। देखिए 1562 की बात है, अकबर गया अजमेर दरगाह, किसकी दरगाह है यहाँ पे, चिश्ती साहब की दरगाह। ठीक है, इस समय दरगाह के हेड कौन है, दरगाह के हेड है सलीम चिश्ती। ठीक है, अकबर क्यों जा रहा है, आशीर्वाद लेने, इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र होगा, पुत्र यानी कि सलीम, जिसका नाम अकबर क्या रखेगा, उसका नाम अकबर जहांगीर रखेगा, जहांगीर वही सलीम होगा, गुरु जी के सम्मान में सलीम रखेगा। अब अजमेर का दूसरे टॉपिक में आ रहा हूं, अजमेर का राजा कौन है, अजमेर का राजा है भारमल। भारमल के एक लड़का है एक लड़की है, लड़के का नाम है भगवान दास और लड़की का नाम है हरखा बाई। ठीक होगी बात। भगवान दास के भी दो बच्चे होंगे, एक का नाम होगा मान सिंह और एक का नाम होगा, लड़की का नाम होगा मान बाई। अब देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हरका बाई की शादी हुई अकबर से, अकबर की घरवाली का नाम हरका बाई है। इतिहास में जोधा बाई जो लिखा हुआ गलत पढ़ाते हैं वो लोग, ठीक है बिल्कुल गलत पढ़ाते हैं, फिल्म भी बना दी जोधा पर, खराब बात। उसके बाद मान बाई, मान बाई की शादी होगी जहांगीर। आप देख लीजिए ये होगा और ये मुगल सेवा में चले जाएंगे, इन्हें नौकरियां मिल जाएगी, मनसबदार मिल जाएगी मनसब। ठीक है, इसके अलावा राजपूतों से संबंध पढ़ते हुए एक चीज और, एक जागीर का भी जिक्र कर देता हूं मैं यहां, जिसका नाम है वतन जागीर। अब आप कहेंगे वतन जागीर क्या होती है, देखिए राजपूतों की मान लीजिए भारमल की अकबर के यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गई, ठीक बात है अपॉइंटमेंट हो गई, तो अपॉइंटमेंट होने के बाद इन्हें मनसब मिलता था। मनसब का मतलब है एक पद होता था मनसिब, मनसब जिसमें इन्हें जब कुछ सैनिक रखने होते थे, सैनिकों के बदले में इन्हें उनका खर्चा उठाने के लिए जमीन मिलती थी, तो वो तो अलग जमीन हो गई। लेकिन जैसे भारमल अजमेर का राजा था, अजमेर का राजपूत शासक था, तो इसे अजमेर की जमीन भी इसे ही मिली हुई थी, तो यही वतन जागीर है, यानी अपने क्षेत्र में ही जागीर मिल जाना, अपने क्षेत्र की जागीर का बंदोबस्त क्षेत्र के उसी राजा को दे देना जिससे वो विद्रोही भी ना हो। ये अकबर की राजपूत नीति का बड़ा महत्वपूर्ण अंग था, जिससे राजपूतों ने अकबर का सहयोग किया और अकबर पूरे भारत में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर पाया। मैं इसे मिटाता हूं और आगे चलता हूं। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा हूं, देखिए अकबर का राजत्व सिद्ध,
रखेंगे राजत सिद्धांत का। राजत सिद्धांत का मतलब है शासन का आधार क्या है आपका। जैसे आज मान लो हमारे भारत में शासन का आधार क्या होता है, आप देखते होंगे मोदी जी को, मोदी जी बार बार बोलते हैं मेरे 125 करोड़ 130 करोड़ देशवासी हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो राजत्व का आधार दिखा रहे हैं कि मैं जो प्रधानमंत्री हूं वो जनता के सहयोग से हूं और जनता जब तक चाहेगी तब तक मैं इस पद पे हूं, वही राजत्व सिद्धांत। तो भारत का राजत्व क्या है? लोकतंत्र है, हमने लोकतंत्र को अपनाया है, लोकशाही को अपनाया है, तो यानी जनता शासन का आधार क्या है? हम भारत के लोग। प्रीएम्बल हम जब पढ़ते हैं तो उसमें वही बोलते हैं। अब यहाँ पे राजा राजत्व सिद्धांत की व्याख्या कर रहा है। तो सबसे पहले तो किसने करी, अकबर का राजत्व सिद्धांत किसने बनाया? जैसे मैं कहूं भारत का संविधान प्रारूप कमेटी ने बनाया जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, के एम मुंशी जी ने पहले बनाया था तो उसके बाद, तो ऐसे ही अकबर का राजत्व सिद्धांत किसने बनाया है? तो अकबर का राजत्व सिद्धांत जो है बनाने वाले कौन है? अकबर का राजत्व सिद्धांत बनाया है अबुल फजल ने। थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि मैं इनके परिवार का भी इंट्रोडक्शन दूंगा। अबुल फजल ने बनाया है, ठीक होगी बात। अबुल फजल ने क्या कहा? अबुल फजल ने कहा राजा में देवी शक्ति का समावेश होता है, इसे सूर्य की किरण से तुलना की उसने, सूर्य किरण। अब आप एक बात बताइए मुझे, देवी शक्ति है सूर्य किरण से तुलना कर रहा है तो ये क्या दिखा रहा है कि राजा को शक्ति, ये देखिए या तो डाउन नीचे वाले हिस्से से मिलेगी जनता से या ऊपर वाले से मिलेगी ईश्वर से। जब वो कहने लगे कि ईश्वर से मिली है तो राजत्व का सिद्धांत क्या है? देवीय सिद्धांत है, ठीक बात है। अगर मैं आज कहूं आज हमारा कैसा जनतांत्रिक राजत्व है हमारा, ठीक बात है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो 130 करोड़ देशवासी, उसका मतलब ही यही है। तो जब ये कह रहा है कि राजा को शक्ति ईश्वर से मिली है, ऊपर से एक विशेष कृपा मिली है, तो ये कैसा सिद्धांत हुआ? देवी सिद्धांत हुआ, ठीक है। फिर इसने आगे क्या बताया है? इसने बताया राजा में चार तत्वों का समावेश होता है, आग पानी हवा और भूमि, ठीक है। ये भी इसने बताया राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, ठीक बात है। राजत्व का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? चलिए मैं इसको आगे चल रहा हूं, इसे इतना छोड़ रहा हूं, फिर चलिए राजत्व के सिद्धांत के बाद मैं दो टॉपिक इनके परिवार को इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, फिर यहां पे पूरा हो जाएगा। देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेख मुबारक, शेख मुबारक का लड़का है जिसका नाम है, दो लड़के हैं, एक का नाम है फैजी, इनके चार पांच क्वेश्चन बता देता हूं, और एक का नाम है अबुल फजल। ठीक होगी। शेख मुबारक ने क्या किया था? शेख मुबारक ने मजहर का दस्तावेज इसी ने बनाया था, आपको याद हो मजहर 1579 में, मैं अभी व्याख्या कर देता हूं। फिर फैजी, फैजी कौन था? फैजी दरबारी कवि, ठीक है। अबुल फजल, अबुल फजल ने क्या बनाया? राजत्व सिद्धांत इसने, ठीक है। और अबुल फजल का दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसकी हत्या कौन कर देगा? वीर सिंह बुंदेला, ठीक हो गई बात। अब मजहर आपको याद होगा, देखिए 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, इबादत खाने का 1578 में सभी धर्म के लिए खोल दिया था, इसे धर्म संसद कहा गया था। तो वहां पे वाद विवाद के बाद अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। मजहर का मतलब ये था कि विभिन्न धार्मिक निर्णयों में कौन सा धार्मिक निर्णय शासन के लिए ठीक है, फाइनली ये कौन डिसाइड करेगा? ये राजा डिसाइड करेगा, ठीक बात है। यानी कि धर्म के ऊपर राजनीति हावी हो गई थी। अभी तक क्या होता था? धर्म के हिसाब से राजनीति चलती थी, और अब क्या होगा? धर्म के विभिन्न मतों में जो मत राजनीति के लिए सही होगा वो सही है गलत है इसको स्वीकार करने का अधिकार राजा को मिल गया, ठीक बात है। चलिए मैं इसके बाद आगे चल रहा हूं, इसे मैं करता हूं, ठीक है। उनके सारे क्वेश्चन हो गए, ये परिवार है। उसके बाद दीन ए इलाही के दो तीन क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। क्या है दीन इलाही? याद है आपको, दीन इलाही कोई कहता तो ही दीन इलाही,
पहले इसका नाम तौहीद ए इलाही ही था, बाद में इसका नाम दीन ए इलाही। कब हुई इसकी घोषणा? इसकी घोषणा 1582। ठीक बात है। दीन ए इलाही में मैं आपको तीन चार क्वेश्चन बता देता हूँ। नंबर एक, हाँ दीन ए इलाही नंबर एक क्वेश्चन क्या है दीन ए इलाही का? दीन ए इलाही की दीक्षा कौन देता था? दीन ए इलाही की दीक्षा बादशाह देता था। सॉरी पहले पते कहते हैं क्या है दीन ए इलाही। सूफी एक ईश्वरवाद पर आधारित है। ठीक है, सूफी एक ईश्वरवाद पर आधारित है इसका मतलब है ना। दूसरा, दीक्षा कौन देता था? दीक्षा बादशाह देता था। कब देता था बादशाह? संडे को फ्री होता होगा बादशाह, बादशाह संडे को दे देता था। चलिए संडे बादशाह की क्या छुट्टी, बादशाह की तो जब मर्जी छुट्टी छुट्टी डिक्लेयर कर ले। चलिए उसके बाद इसमें जो दीक्षित होता था उसे क्या चीजें छोड़नी पड़ती थी? चार चीजों का उसे त्याग करना पड़ता था, जमीन, संपत्ति, मान और धर्म। ठीक है, होता क्या था, बादशाह के चरणों में वो अपनी पगड़ी रखता था, बादशाह उस पगड़ी को उठा करके उसके सर पे पहना देता था और बादशाह उसके कान में अल्लाह अकबर बोलता था और इस प्रकार से दीक्षा होती थी। ठीक होगी बात। उसके बाद में नेक्स्ट चल रहा हूँ, मिटो तुम इसे। मैं अकबर के दरबार में कौन कौन आया वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं राल्फ फिंच की। राल्फ फिंच 1583 से 1591 कौन है? अंग्रेज व्यापारी है। ठीक बात है। कहाँ आया? ये आया आगरा और फतेहपुर सीकरी में। पेपर में क्वेश्चन आता है आगरा फतेहपुर सीकरी आने वाला पहला व्यापारी तो यही है। ठीक है, तो क्या बात करेगा? ये व्यापारी गतिविधियों की जानकारी देगा। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी, एक आया था जेसुइट पादरी मिशन। जेसुइट पादरी आए थे, उसमें कौन कौन आए थे? एक आए थे एकादिवा और दूसरे कौन आए थे? मोंसेरा। ठीक हो गई बात। ये जेसुइट पादरी मिशन आया था, एकादिवा और मोंसेरा। उसके बाद देखिए दीन ए इलाही का मैंने बता दिया। दीन ए इलाही का एक चीज रह गई थी कि दीन ए इलाही को कितने लोगों ने अपनाया था। देखिए 10-12 लोग ही थे बस दीन ए इलाही को अपनाने वाले और उसमें भी एक ही हिंदू थे। वो कौन थे? महेश दास यानी कि बीरबल थे। चलिए अकबर के अन्य क्वेश्चनों पे आता हूं। देखिए अकबर के शिक्षक का नाम कौन था? अब अब्दुल लतीफ अकबर के शिक्षक थे। नंबर एक, अब्दुल लतीफ क्या थे? अकबर के शिक्षक थे। ठीक है, नंबर दो अन्य बातों पे आ रहा हूं मैं। चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। चिश्ती संप्रदाय के कौन थे गुरुजी? सलीम चिश्ती गुरुजी के गुरुजी थे अकबर के। ठीक बात है। नंबर तीन, हिंदुओं के त्योहारों में अकबर भाग लेता था। त्योहार में झरों का दर्शन, तुलादान, ये सारे के सारे अकबर कार्य करता था जो हिंदुओं में प्रचलित थे। ठीक होगी बात। उसके अलावा चौथा, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल को गोकुल और जैतपुरा की जमीन दी थी। कौन कौन सी? गोकुल व जैतपुरा की जागीर दी थी। ठीक होगी बात। अकबर ने सती प्रथा पे रोक लगाई, विधवा विवाह को संरक्षण दिया, विधवा विवाह को मान्यता, सती प्रथा पे रोक, विधवा विवाह को मान्यता, शादी की आयु लड़कों की 16 साल और लड़कियों की 14 साल डिसाइड करी। ठीक हो गई बात। ठीक बात। और एक क्वेश्चन, सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा
देखिए बाद में इसी पर अमृतसर गुरुद्वारा बनेगा, इसमें एक तालाब होगा जहाँ पे अमृतसर गुरुद्वारा बनेगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से तो अकबर के लगभग सारे टॉपिक हो गए हैं, अकबर से संबंधित जितने भी टॉपिक थे मेरे ख्याल से सारे हो गए हैं। चलिए देखिए जो छुटिया होगा मैं अगले क्लास में जाऊंगी, इनके समय पूरा कर दूंगा। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, ठीक है नहीं? चलिए ध्यान रखिए।